अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, और होपफुली आप तमाम लोग सही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज जो है हम आप लोगों के लिए कुछ एक एक्साइटिंग हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स ये आ रहे थे कि उन्हें ये मुश्किल होती थी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए, कभी कभार वो मिस कर जाते थे। सो हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर हम आपके साथ ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर करेंगे, जिनके ऊपर मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि इस वीक के अंदर जो ट्रेंडिंग भी है और उसकी डेडलाइन भी बहुत क्लोज है, विच इज द ईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो कि फ्रांस ऑफर कर रहा है, जिसकी डेडलाइन है 7th of January। और उसके अंदर जो है आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं तो 7th of January तक। और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो 25 years से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप कहीं भी वर्ल्ड में हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई करें। और उसके अलावा ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये जो है मास्टर्स और PhD दोनों के लिए, सो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बेनिफिट्स बहुत कमाल हैं। बेनिफिट में जो है इसके अंदर आपको जो है ऑलमोस्ट 1000 यूरो से ऊपर के जो है स्टाइपेंड मिल रही है, और उसके अलावा आपकी जो है पूरी क्विक कॉस्ट नहीं लग रही, आपको एयर टिकट से लेके अकोमोडेशन तक सब कुछ जो है वो स्पॉन्सर्ड है। सो जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो है UK गवर्नमेंट ऑफर करती है, वैसे कॉमनवेल्थ उसे ऑफर करता है, वो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑफर होता है। उसके अंदर जो है वो भी जो है उसकी भी डेडलाइन जो है बहुत करीब है, यानी कि 10th of January तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी फुली फंडेड प्रोग्राम है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, मगर इसके अंदर जो कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग जो है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, तो अगर आपका बैचलर्स डिग्री है तो वेट ना करें, अप्लाई करें। इसके बेनिफिट्स जो हैं उसके अंदर फुल ट्यूशन फीस है, अलाउंसेस हैं, आपकी कोई सब चीज़ें कवर्ड हैं। सो इसको जिसके अंदर आपका रहना सहना, और अगर आप किसी और कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ जो है आपका जो है एयर टिकट भी स्पॉन्सर्ड है। सो इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे गिवन होती हैं, आप यहाँ जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। जो आज की लिस्ट में तीसरी अपॉर्चुनिटी है, ये एक इंटर्नशिप है जो कि वर्ल्ड बैंक ऑफर कर रहा है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक के अंदर जाके काम करें, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके काम करें। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। इसकी कोई डेडलाइन एज सच गिवन नहीं है, मगर ये कि आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो एज है वो इसके अंदर एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है, विच इज कि आपकी 28 years जो है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इससे नीचे अगर आप हैं तो आप अप्लाई करें। और इसके अलावा जो है अगर आप फ्लुएंट हैं इंग्लिश में, या फिर कुछ उनकी अपनी जो लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑफिशियल होती हैं किसी की भी, बिकॉज आप अरेबिक कंट्रीज में जाते हैं, अरेबिक, स्पेनिश और इस तरह की कुछ ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक की लैंग्वेजेस हैं, उनको अगर आप जानते हैं तो देयर एक बहुत अच्छा चांस है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे जो है कुछ बेनिफिट जो इसके हैं वो बड़े फिट किस्म के हैं। उसके अंदर आप जो है आपको एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और सेकंडली आपको जो है पे एक मिल रही है। सो मिस नहीं कीजिए इस चांस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चांस है। हाँ, एक और चीज के अंदर मेंशन करना है, भूल गया, कि अगर आप डिसेबल हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक अलग फंड मिलेगा जो कि डिसेबिलिटी फंड है। सो मेक श्योर कि आप इस चांस को जाया ना करें, वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ा अदारा है और आपका एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हो। सो जो अगली अपॉर्चुनिटी है वो भी बड़ी मस्त किस्म की है। वो जो है वो है आयरलैंड की अपॉर्चुनिटी। आप आयरलैंड फुली फंडेड प्रोग्राम में जा सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट ये वाला स्कॉलरशिप ऑफर करती है, और इसकी जो डेडलाइन है वो 25th of March है। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी जो है एक एक्सीलेंट एकेडेमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर आप आयरिश जानते हैं तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज इंग्लिश भी है तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसके लिए चेक कर लीजिएगा मुझे कि आप आयल्स रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, तो मेक श्योर आप उससे गुजर जाएं। उसके बाद जो है इसकी जो फायदे हैं वो ये है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगी, आपको फुली फंडेड है, आपका एयर टिकट सब कुछ जो है वो उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो अब जो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास आखिरी अपॉर्चुनिटी आती है वो है आप जो MIT जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही है, तो आप घर बैठे हुए वाले कोर्सेज सीख सकते हैं, आप MIT के प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप जिस तरह के भी हैं, अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो आप वहां जाके आप इनरोल हो जाएं और सीखें। और उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं
आपको MIT की सर्टिफिकेशन मिल सकती है, आप जो है लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बढ़ सकता है, आप अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं। सो ये जो थी आज हमारी कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, आप ये वाली अपॉर्चुनिटी हमारे सोशल नेटवर्क्स पे भी जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो टू अवर वेबसाइट www.opportunitycircle.com और वहां जाके भी इन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग आप लोगों के लिए ये वाली अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। और शेयर भी किया करें, ये जो वीडियो है इसको भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता लग सके कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आजकल जो है मार्केट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी सर्कल। और आज जो है हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कि जो वीकली प्रोग्राम जो है जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमने सीरीज लास्ट वीक स्टार्ट की थी, हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंदर हमारे पास इस वीक में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी डेडलाइन भी क्लोज है और वो बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, तो आप लोगों ने उन पे अप्लाई करना है। मगर उससे पहले एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप में से अक्सर लोग जो हैं वो उन प्रोग्राम जिनके अंदर वो एलिजिबल नहीं होते उनके अंदर भी अप्लाई कर ले होते हैं, या फिर वो कुछ प्रोग्राम जिनके अंदर उनकी सिलेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कुछ कंपनीज थी जिन्होंने इंटर्नशिप ऑफर की थी, तो बच्चों ने वहां उसके लिए अप्लाई भी किया, इंटरव्यू भी किया, मगर जो ऑन द डे जब उन्हें जाना था तो वो उस दिन वहां नहीं गए। सो इस तरह का अनप्रोफेशनल बिहेवियर, एक तो हम लोग जो आप लोगों के लिए फ्री में अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं इसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है, और हमारे जो कंपनीज के साथ रिलेशन होते हैं, क्योंकि हमने ये मकसद ही इसीलिए बनाया था कि हम आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। सो अगर आप लोगों का यही रवैया होगा, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखेंगे या फिर आप इस तरह फॉर्म फिल करेंगे, तो देन फिर हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें फिर कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाना पड़ेगा। आई डोंट वांट कि मैं उस तरह का कोई प्रोग्राम हम लोग अपॉर्चुनिटी सर्कल पे लेकर आए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि सबको एक इक्वल स्पेस देनी चाहिए। सो अगर आप लोग अगर उस चीज पे जाएंगे तो फिर देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू जस्ट प्रोवाइड यू। आप लोग एक प्रोफेशनल सिस्टम के थ्रू आए हैं, आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में, अगर आपके ये रवैया है जिसके अंदर आप फॉर्म भी बगैर देखे फिल कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं उस फॉर्म के अंदर, और यह हमने भी जब फॉर्म देखे हमारे पास भी 550 फॉर्म आए डिफरेंट, और उसके अंदर से शायद 10 से 20 फॉर्म ऐसे थे जो काम के थे, और बाकी जो आप लोगों ने फिल किए हुए थे उसके अंदर आपने जो कुछ लिखा हुआ था वो मैं किसी और दिन आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट तो हम लोग फिर आप लोगों के पास भी फिर यू हैव टू पे फॉर इट, तो मैं ये वाली चीज नहीं चाहता, और इट इज लाइक अ वार्निंग फॉर ऑल दोज पीपल, क्योंकि हमारे पास आप लोगों का डेटा भी आता है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आपको वहीं से आपको जो सर्विस आप हमारी यूज करें हम आपको वहीं से क्लियर आउट कर दें, या फिर हमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाना पड़ेगा। सो जो हमारा जो आज जो पहला प्रोग्राम है विच इज CEE प्रोग्राम, और उसके अंदर अब कोई एक दिन रह गया जिसका यानी 14 उसकी लास्ट डेट है, और मगर कोई घबराने की बात नहीं, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन इस तरह कोई अटैच नहीं करनी, तो उसके अंदर अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट इज फॉर द कम्युनिटी लीडर्स, जो कि अगर आप लीडर हैं, कम्युनिटी लीडर, या फिर आप कोई आगे चल के कोई कम्युनिटी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, तो इट इज फॉर यू, और आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो लास्ट डेट है वो टुमारो इज द लास्ट डे, और उसके अलावा जो है ये US के अंदर फुली फंडेड प्रोग्राम है, और इसके अंदर जो है आप लोगों को जो है आपकी एज 21 से लेकर 28 के दरमियान होनी चाहिए, और आपका जो है 2 ईयर वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगर आप इन दो क्राइटेरियाज पे पूरे तरीके से उतरते हैं तो अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर आपको फुल्ली फंडेड मतलब ये कि आपका फ्लाइट टिकट से लेके आपके रहना आपका सब कुछ वो US जो है वो अफोर्ड करेगा, और इट इज अंडर द IREX। सो इस चीज को मिस ना कीजिएगा और अप्लाई कीजिए। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है CERN इंटर्नशिप, CERN शॉर्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो आप में से अक्सर लोग जो हैं वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, और ये स्विट्जरलैंड के अंदर एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यानी कि आपकी ड्रीम लोकेशन के अंदर एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और इसके अंदर हमारे कुछ बच्चे पहले जा भी चुके हैं, तो आपके पास भी चांस है आप भी जा सकते हैं। सो इसकी जो है डेडलाइन तो इस तरीके से कोई नहीं, और ये पेड इंटर्नशिप है, और अगर आपके 18 साल या उससे ऊपर की एज है तो आप इसके लिए अप्लाई करें। और इसके साथ आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको इंग्लिश या फिर फ्रेंच आनी चाहिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप तमाम लोगों को इंग्लिश आती होगी, अच्छी इंग्लिश आती होगी। और इसके साथ अब इसके जो कुछ फायदे हैं वो ये हैं कि ये भी फुली फंडेड है एक तरीके से, और इसके अंदर आपको जो है वो एक पेड
आप लोगों को जो है स्विस फ्रैंक्स के अंदर कुछ पैसे मिलते हैं, और उसके अलावा जो है आप लोगों को जो है इसके अंदर आपकी, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आपकी जो सीवी है उसके अंदर आपके, अगर आपकी स्विट्जरलैंड की इंटर्नशिप लग जाएगी तो कमाल हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा आगे चल के आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा बाहर की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक और प्रोग्राम जिसकी बहुत ही शॉर्ट डेडलाइन है, और वो है फीमेल्स के लिए और लड़कियों के लिए है, और उसके ऊपर आप यूएस से जा सकती हैं, और क्योंकि यूएस की अभी बहुत सारी जो है एक्सचेंज प्रोग्राम ओपन है, सो जो उसकी डेडलाइन है वो 15 है, वो टेक गर्ल्स एक्सचेंज प्रोग्राम है। सो उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं देखूँ तो उसके अंदर आपकी जो एज बिटवीन होनी चाहिए 15 to 17 के, और आप स्टूडेंट होने चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और आपने कोई कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम किया होना चाहिए कभी के बाद। तो इसके बाद यही है कि आपके जो बेनिफिट इसके अंदर है, ये फुली फंडेड आपकी वीजा फी, हर एक चीज, ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, एंड इसके अंदर और जो है फूड, 3 times meals, और उसके अलावा जो है एमरजेंसी इंश्योरेंस, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइडेड। सो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप इस एज ग्रुप के अंदर हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस प्रोग्राम। और इसके बाद जो प्रोग्राम आ रहा है जिसका आप तमाम लोगों को इंतजार था, और वो प्रोग्राम है टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। सो भाई, टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑन हो गया है, और इस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो डेडलाइन है वो 20 February है, और इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। मीन कोई भी का मतलब मीन कि ये बैचलर्स वालों के लिए भी है, मास्टर्स वालों के लिए भी है, और PhD वालों के लिए भी है। सो यानी कि अगर आपकी जो एज है वो, इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, यानी कि आप दुनिया जहान में कहीं भी हों आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टर्की सीखने का भी शौक है तो आप फाउंडेशन ईयर भी वहां लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश कोर्सेज सेलेक्ट करें। और इसका फॉर्म बड़ा सीधा साधा है, आप लोगों ने जाना है और अप्लाई करना है, और इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं, यानी कि आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, आपको वहां रहने का भी मिलेगा, फुली फंडेड है, तो फिर फ्लाइट्स भी हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी कि फिर आप अप्लाई करें और सिलेक्शन का इंतजार करें, फिर बेग पेक करें, जस्ट गो टू टर्की, सही है। सो इस प्रोग्राम का सबको इंतजार होता है, तो इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इन प्रोग्राम पे जाएं, तो अभी आप हमारी वेबसाइट www.opportunitycircle.com पे जाएं और अप्लाई करें। और अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आ रही तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी जा सकते हैं, वहां क्योंकि हमने पहले से पोस्ट किया हुआ है। फिर आपने क्या करना है कि वहां अगर आप इंस्टाग्राम पे, तो आपको वहां हाईलाइट्स में जाना पड़ेगा या फिर स्टोरी में जाना पड़ेगा, और वहां जाके आपने अप्लाई करना है। अगर फेसबुक पर है वहां तो डायरेक्ट ऑप्शन है, आप डायरेक्ट जाएं और लिंक पे क्लिक करें और तैयारी पकड़ लें, क्योंकि अगर अपने ऊपर यकीन रखेंगे तो इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे। मगर जो मैंने आपको बात बोली है कि हर प्रोग्राम आप लोगों के लिए नहीं होता, तो वहां अप्लाई ना करें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी प्रोग्राम के अंदर तो उनका टाइम भी वेस्ट ना करें, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। अगर आप एलिजिबल भी नहीं है तो सेम केस। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज सर्कल आप लोगों की हेल्प करता रहेगा। और दैट्स इट फ्रॉम माय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप तमाम लोग सही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज जो है हम आप लोगों के एक और सीरीज लेकर आए हैं, जो कि हम पिछले कुछ अर्से से चला रहे हैं, जो कि सीरीज है कि आपके टॉप जो प्रोग्राम्स होते हैं इस वीक के, वो हम आपको बताएंगे। तो आज का जो पहला प्रोग्राम है ये है जर्मन बर्लिन इंटर्नशिप प्रोग्राम, विच इज इन जर्मनी। सो इसकी जो है डेडलाइन जो है वो 7 February है। सो ये बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपको 500 जो यूरो है वो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, और उसके अलावा जो है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको जो है वो 1800 जो यूरो है वो आपको अलाउंस मिलेगा एज ए स्टाइपेंड, और आपको जो है अगर आप वहां के नेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको जो है ये 1000 यूरोस का जो है वो आपको अलाउंस मिलेगा। अच्छा, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपको रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए, 2 years का आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कम अज कम, और उसके अंदर जो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस और बायोलॉजी जो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी,
वो आपके फील होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है या फिर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो फिर भी प्लस पॉइंट है। सो इस पे जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि ये इसी वीक ही एक्सपायर हो रहा है। जो सेकंड नंबर पे आपका प्रोग्राम है वो है रिप्स समर इंटर्नशिप इन यूएसए। सो जो है इसकी फाइनेंशियल जो है वो फुली फंडेड है, पेड इंटर्नशिप है और डिफरेंट रीजन के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जाके अपना रीजन देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो 14 फेब है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इसके सिंपल हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इसकी 18 ईयर्स है और एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन द प्रोग्राम एंड और रिसेंट ग्रेजुएट जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस पे भी अप्लाई कीजिए। और बेनिफिट्स इसके जो हैं वो हैं स्टाइपेंड जो है वो $3,800 है। उसके अलावा जो है अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, वीजा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा और अराउंड ट्रिप टू लॉस एंजलस। सो बीन के सब कुछ कवर्ड है, आप इस पे अप्लाई करें क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं या फिर आप जर्नलिज्म के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो रियोटर जर्नलिज्म फेलोशिप है यूके के अंदर और ये जो है फुली फंडेड है और इसकी 14 फेब लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जितने भी जर्नलिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई जर्नलिज्म के लिहाज से अगर आपका पैशन है, अगर आप कोई और वेज ढूंढना चाहते हैं जर्नलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से आप और बेहतर करना चाहते हैं तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। अच्छा, इसके अलावा जो बेनिफिट है तो इसके अंदर ये है कि आपको ग्लोबल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है वो आप वहां वर्क करेंगे। उसके अलावा जो है आपको सारे एडवांस रिसर्च सेंटर्स के ऊपर आपको असेस होगी, आपको स्टाइपेंड मिलेगी इस फेलोशिप में और उसके बाद आपको ट्रैवलिंग और लिविंग कॉस्ट भी इसके अंदर बियर की जाएगी। सो अप्लाई करें इसके ऊपर अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो। अच्छा जी, इसके बाद जो प्रोग्राम है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है और वो जो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के हवाले से है और इसकी जो डेडलाइन है वो है 22 फरवरी और ये यूएसए के अंदर प्रोग्राम है। मगर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका एटलीस्ट 6 मंथ का आपका गैप होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। आपकी जो है कैंडिडेट जो है वो 6 मंथ का यानी ग्रेजुएशन पीरियड उसका गुजरा हुआ होना चाहिए और उसके बाद ये कि अगर आप कैंडिडेट मस्ट बी द ग्रेजुएट फ्रॉम द एनी साइबर सिक्योरिटी अकेडमी और बूट कैंप और इसके अलावा जो है और आप कैंडिडेट शुड हैव लाइक ये उन लोगों के लिए जो कि यूएसए के अंदर रह रहे हैं तो अगर उनका कोई यूएसए के अंदर वर्क वीजा लगा हुआ है तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कि आपको बेनिफिट क्या है इसके, तो बेनिफिट ये है कि आप यूएसए के अंदर वर्क करेंगे और उसके अलावा ये कि आप बिगेस्ट आईटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। सो इस चांस को जाया ना कीजिए। सो ये आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है हमारा एक और प्रोग्राम जो कि अपॉर्चुनिटी सर्कल वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम है फॉर जो हमारी जो स्प्रिंग इनटेक है उसके लिए ओपन हो गया है। सो आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या कुछ बेनिफिट हैं उसके अंदर कि आप हमारी टीम के साथ वर्क करेंगे, हमारी टीम आपको ट्रेन करेगी, उसके अलावा हम आप लोगों को कनेक्ट करवाएंगे विद इंडस्ट्री लीडर्स और हम आपके लिंकेजेस बेहतर करेंगे, उसके बाद हम आपको रिकमेंडेशंस भी देंगे। उसके अलावा फिर हम जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज इस तरह होती हैं जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, वो वाली सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा ये है कि आपके बहुत अच्छे इंटरनेशनल लिंकेजेस बनेंगे और आपको इंटरनेशनल यूथ के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा। सो इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना कीजिए। ये 4 मंथ की हम लोगों ने इंटर्नशिप प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो अभी अप्लाई कीजिए बिफोर डेडलाइन इज ओवर बिकॉज इसके अंदर हमारे पहले ही बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। सो अप्लाई करें। सो अगर आप इन सारी चीजों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो द बेस्ट वे इज टू विजिट अवर वेबसाइट www.opportunitycircle.com या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं या फिर फेसबुक पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके आपने स्टोरी को ओपन करना है या हाइलाइट्स पे जाना है, वहां लिंक्स गिवन है इन प्रोग्राम्स की, आपने वहां से अप्लाई करना है। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो वहां तो डायरेक्टली लिंक गिवन होता है, आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि आपको हम लोग जो हैं डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपॉर्चुनिटी सर्कल को सपोर्ट करते रहिए। सो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप तमाम लोग सही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये वाली जो वीडियो थी, मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर बनानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं ये वाली वीडियो नहीं बना सका। मगर पहले तो सब आप तमाम लोगों को नया साल जो स्टार्ट हुआ है वो आप सब लोगों को मुबारक हो। होपफुली ये वाला साल आप लोगों के लिए बहुत सारी और कामयाबियां लेकर आएगा, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। जहाँ तक बात है कि ये वाली वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट थी, एक तो इस वीडियो के अंदर आई विल डिस्कस कि हम लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और सेकेंडली कि क्या आप लोगों के जो इश्यूज हैं उन लोगों के उन चीज़ों का हल, और आप लोगों के लिए हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताना था हमारे। तो ये वाली वीडियो उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो हमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फॉलो करती है, और एक तरह से ये कॉमन लैंग्वेज है इन सारी कंट्रीज की, तो बहुत सारे लोग इसे समझते हैं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज जो इस चीज जो हम लोगों ने पहले, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने अपने फीडबैक्स भेजे और जो है अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर की। मोर देन 80 सक्सेस स्टोरीज जो थी वो हमारे साथ शेयर की गई न्यू ईयर पे, और इससे बेहतरीन न्यू ईयर हमारे लिए नहीं हो सकता था। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम आप लोगों को हेल्प आउट करें अपॉर्चुनिटीज गेट करने में, और जब कोई इसके लिए सिलेक्ट होता है तो वो हमारे लिए भी एक ऑनर की बात होती है। तो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर किया करें और हमें याद रखा करें कि अपॉर्चुनिटी सर्कल आपकी लाइफ के अंदर एक, मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोगों की लाइफ के अंदर एक बेहतर एक रोल अदा करें, और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। जहां तक बात है दूसरी, वो ये कि हमारे साल के कुछ गोल्स हैं, हम लोग उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक तो ये कि हम लोगों ने और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लेकर आनी है, और हम कुछ प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होंगे, जिसके अंदर आप लोग जो है कुछ नया करेंगे, कुछ हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को करेंगे वर्क। अब कुछ चीजें जो हैं जो आप लोगों के अंदर लेक कर रही थी, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग उन चीजों पे वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमारे जो हैं ग्रेड्स बहुत कम आए FSC में, या फिर किसी भी तरीके से हमारा CGPA भी अच्छा नहीं जा रहा, तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहे। देखें, हर एक टाइम की एक वैल्यू तो है, इससे तो हम लोग इधर उधर अपने आप को कर नहीं सकते, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मगर जहां तक बात है कि टाइम की वैल्यू के साथ साथ जो है आप लोग वहां रुक नहीं जाते, टाइम चलता रहता है और आपको टाइम के साथ आगे ट्रेवल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिलता बैचलर्स में स्कॉलरशिप, नहीं मिलता मास्टर्स में, मगर उनको PhD का स्कॉलरशिप मिल जाता है, वो फिर बाहर की कंट्री में फुली फंडेड पढ़ रहे होते हैं। तो आपने जो है प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। पास्ट से ये नहीं है कि पास्ट को भूल जाना है, पास्ट को आप लोगों ने पास्ट को से कुछ सीखना है। लाइक आपने जो टाइम वेस्ट किया, क्योंकि देखें अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होते तो शायद आज आप किसी प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं, मगर अब आप नहीं जा पा रहे, तो उसकी रीजन, अब आपने उसकी रीजन तलाश करनी क्यों नहीं जा पाए। तो आप लोगों ने अपने फोकस रखना है, जो आपके गोल्स हैं, आप अपनी लाइफ को डिजाइन इस तरह किया करें कि वो 5 साल का जो है आप लोगों को पता हो कि आपने कहाँ जाना है। आप अभी से अपनी तैयारी कर लें, अगर अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है लाइक यू ग्रेड है, SUSE, आप उसके लिए प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर नीड है, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, आप लोगों क्या कुछ रिक्वायर्ड है। फिर इसी तरीके से अगर आप स्कॉलरशिप देख रहे हैं और अभी आप 5th-6th semester के अंदर हैं या 7th semester के अंदर हैं, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपने IELTS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो मेक श्योर अपनी लाइफ को पीछे पास्ट के एक्सपीरियंस से निकाल के आगे लेके जाए ताकि आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और दूसरी चीज जो कि आप लोग मिस कर रहे थे वो ये था कि कुछ जगहों पे आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग कोशिश तो यही करते होते हैं कि आप लोगों के लिए हम उनसे रेलिवेंट सेशन करवा लें, मगर उसके अंदर जो मसला आ रहा था वो यही आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो सेशन रिक्वायर्ड ही नहीं था, उनका वो उस लेवल पे ही नहीं होते, बट वो सेशन की लाइक हमें 100 सीट्स होती हैं, तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब हमने थोड़ा सा मॉडल चेंज किया है, तो हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम लोगों को सर्व कर सकें और ताकि मैक्सिमम लोग इन प्रोग्राम्स में जा सकें। तो पिछला साल तो बहुत बेहतरीन गया कि मोर देन जो थे 13 स्टूडेंट्स जो थे वो SUSE में सिलेक्ट होते हैं, मोर देन 19 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे
जो है यू ग्रेड के अंदर सेलेक्ट हुए, इस तरीके से टर्की स्कॉलरशिप, इराजमस मेंडस, सो देर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज एंड थैंक यू जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, और इंशाल्लाह इस चीज को मैं आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और मेरी टीम जो है वो बिल्कुल आप लोगों के साथ खड़ी है। मगर कुछ चीजें जो हैं वो यही है कि वो आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होती हैं, उन पे वर्क करें, और सेकेंडली ये है कि अपनी लाइफ को फोकस रखें। आपके इर्द गिर्द लोग आपको मुख्तलिफ चीजें देंगे, भाई डिग्री का कोई फायदा नहीं है, भाई आपकी जो है आप अपने CGPA की केयर ना करें। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिकॉज अब हम इस फील्ड के अंदर हैं तो मुझे पता है कि CGPA जो है आपका वो मैटर करता है, वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप किसी हद तक वो मैटर करता है, ठीक है, और आपने उसको मेंटेन रखना है, 3 से ऊपर रखें ज्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से जो है आपकी जो अक्सर बच्चे होते हैं वो अपनी स्टडीज को ही सिर्फ फोकस रखते हैं, तो मेक श्योर यू आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द टाइम, तो ताकि आप लोगों की जो रिज्यूमे है उसके अंदर ये वाली चीजें हों। लाइक हमारा जिस तरह एम्बेसडर प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे हमारे जो थे वो कम्युनिटी लीडर प्रोग्राम या एम्बेसडर प्रोग्राम या फिर हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम जिन्होंने किए, वो इस टाइम कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में गए हैं, और आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो सून हम लोग लॉन्च भी कर लेंगे। उसके अलावा जो एट द एंड जो बात मेरी मैं कहना चाहता था कि ये चीज ये आपका ही पोर्टल है, ये आप लोगों की वजह से ही हम लोग जो है इस चीज को फैला सकते हैं, बिकॉज हमारा जो मकसद है वो यही है कि 2025 तक जो इन 3 कंट्रीज इनमें 80% बच्चे को एसेस टू अपॉर्चुनिटीज, एसेस टू द इन्फॉर्मेशन अबाउट अपॉर्चुनिटीज ये होनी चाहिए, और उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए होगा। तो मेक श्योर आप अपना रोल अदा करें, आप कोशिश करें अपनी लाइफ को भी बेहतर बनाने की, और शेयर किया करें अपॉर्चुनिटीज अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो अल्लाह भगवान जो भी है लाइक आप जिनको अपना खुदा मानते हैं तो वो आपको आपकी सारी जो है वो आपको हेल्प करेगा, और आप क्योंकि अगर आप अपनी तरफ पॉजिटिव वाइब्स निकाल लेंगे तो आपके एट के भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, और इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो देयर्स इट फ्रॉम माय साइड, और होपफुली उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चीज पे अमल करेंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और दूसरों की लाइफ को भी साथ लेके आगे चलेंगे। सो देयर्स इट फ्रॉम माय साइड, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।